तो भाई अभी बज चुके हैं 2:30 और हालत देखो, पूरा ढंग से कंबल ओढ़ रखा है, ठीक है। इधर देखो राहुल ने भी, और भाई एसी इनकी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ना इन्होंने कोई स्विच दिया ना कुछ और। अरे भाई कंबल दिए, इससे अच्छा रजाई दे देते। और मेरे को लगता है भाई थर्ड क्लास से तो अच्छा जनरल में बैठ जाते ना तो भी सही रहता, क्योंकि वहाँ पे कम से कम एसी तो नहीं होती, सो तो जाता बंदा सीट जैसे तैसे लेके, सही छोटी सीट मिलती। अब दिमाग खराब हो गया है, नींद नहीं ले पा रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। और अभी बीकानेर आने वाला है 1.5 घंटे बाद, वहाँ पे ही रुकना है। और वहाँ पे 4 बजे से लेके ठीक 8 बजे तक वहीं पे रहना है स्टेशन पे ही। तो अभी नींद लूँगा, बाद में ढंग से सफ़र तय कर पाऊँगा ना आगे का। दिमाग ख़राब कर दिया यार, क्या सिस्टम वो दीदी, सही करा दो इसको। तो अभी जैसे तैसे करके नींद लूँगा, थोड़ी बहुत आएगी तो। और ट्रेन अभी तो रुकी हुई है, थोड़ी देर में 1.5 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, फिर आपको बताता हूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रेन का। तो दोस्तों सुबह 7 बज चुके हैं, ट्रेन रुक गई थी 4 बजे, 3 घंटे यहीं पे सोए हैं हम। बहुत ज्यादा ठंड थी सही बताऊं तो, और इन्होंने रात को ना एसी चला रखी थी ऊपर। भाई साहब यार बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। चलो वो 4 बजे बाद तुम सोए, वो सोए वो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इनकी थोड़ी गलती है, वो तो हम सोए हैं। पर पहले इन्होंने एसी चला रखी, सफाई बिल्कुल थी नहीं, बुरे हाल थे, कीड़े मकोड़े घूम रहे सीटों पे। चले क्या अब? कोई होटल बना दिए दोस्तों, कोई भी नहीं है हमारे इस डिब्बे में, और कोई मतलब ट्रेन रुकी सब तो चले गए थे, हम सो रहे थे यहाँ पे। ऐसी भी जिंदगी गुजारनी पड़ती है ट्रैवलिंग में, इसीलिए ट्रैवलिंग को चूज किया है हमने। तो गाइस अभी सुबह सुबह नाश्ता करने आ गए हैं यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट है छोटा सा। और अभी देखो ट्रेन में टाइम कितना रहा है, आधा घंटा रहा है दोस्तों। और जल्दी से पेट पूजा करके फिर हमको ट्रेन ही पकड़नी है। अभी परांठे थे नहीं तो चाय के साथ ब्रेड मंगवाइए, आती होगी। ये देखो दोस्तों तैयार है, अब जल्दी से खाता हूँ और फिर जाते हैं सीधा ट्रेन स्टेशन। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। ऑटो ले लिया था मैंने और राहुल ने। तो अभी दोस्तों आ गया है अपना रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ट्रेन अभी लगी होगी। जल्दी से जाके दिखाता हूँ आपको एक कौन सी ट्रेन है हमारी। दोस्तों जर्नी हो चुकी है स्टार्ट, लगभग खाली है डिब्बा अभी तो, और मैं थोड़ी देर करूँगा यहाँ पे रेस्ट। बैग यहाँ पे हमने लगा दिया है, राहुल इधर है सो रहा है, राहुल साथ में वीडियोज देख रहे हैं। तो ये कुछ है अपना डिब्बा मुंबई तक अगले 24 घंटे के लिए। ट्रेन थोड़ी 5-10 मिनट लेट चली है, तो ये है सीन। अभी थोड़ी देर करता हूँ रेस्ट। तो मैंने तो ले लिया बढ़िया नींद अभी, और राहुल ने मंगवा लिया खाना। IRCTC के ऐप में ऑर्डर कर सकते हैं अपन। राहुल क्या कुछ मंगवाया है भाई? ये एक थाली है, शाही थाली, यहाँ की राजभोग रेस्टोरेंट से। अच्छा देखते हैं कैसा है खाना, बाकी शाही थाली नाम है इसका वैसे। वो तो टेस्ट बाद में पता चलेगा क्या कुछ है। वैसे रिव्यू देखे थे मैंने तो लोगों को, बढ़िया रिव्यू थे इसके राजभोग के, इसलिए इसका ऑर्डर किया। चलो खा के बताना हमको, ठीक है? ओके। ये आगे चावल, ये रसगुल्ला साथ में रायता, ये बूंदी रायता है, और ये पनीर टिक्का, और ये मिक्स वेज है, और ये दाल, ये दाल है। दाल तो भाई मेरे को पानी की तरह लग रही है। नहीं नहीं ये देखो यार ऐसी बात नहीं, बाकी टेस्ट, चलो टेस्ट करके बताना। कितनी रेटिंग देना चाहोगे आप खाने को? ओवरऑल बढ़िया है। अरे रेटिंग भाई, रेटिंग 5/10 में से 6। 10 में से 6 ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, है? कोई उतना भी वो नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट है। दोस्तों अगर आपको पता लगाना है ना खाना स्वादिष्ट है या नहीं, अगर आप खाते जा रहे हो और फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा, ठीक है, तो समझ लीजिए खाना बहुत स्वादिष्ट है। और आपका थोड़ा खाने से ही पेट भर गया ना, तो इसका मतलब है खाना उतना बढ़िया नहीं है। दोस्तों अभी जोधपुर आने वाला है, वहाँ से मैं मंगवाता हूँ, देखते हैं मेरा खाना कैसा रहता है, और अभी देख के ऑर्डर करूँगा क्या कुछ ऑर्डर करते हैं सोचूंगा। यहाँ से रहा है 1000 किलोमीटर मुंबई, जहाँ पे हम जा रहे दादर स्टेशन पे उतरेंगे। और खाना आ चुका है अपना, देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। जोधपुर आ चुका है आपको बता देता हूँ मैं, पर भीड़ तो नहीं लग रही यार इतनी,
भीड़ से क्या करना है तेरे को जोधपुर में, तो भीड़ जोधपुर का नाम लेके भीड़ देखनी है। तो ये कुछ है, चावल, ये दाल है, ये रायता, ये पनीर ऊपर घेरा हुआ है किसकी सब्जी वो नहीं पता, ये मिक्स वेज, यहाँ पे रोटियाँ, ये कुछ है, अचार भी है। तो ठीक है चलो खाता हूँ यार, अब मैं तो कल रात को ही खाया हूँ जो भी है और अब खा रहा हूँ। अभी खाना खा लिया हूँ और सही में ना लाजवाब खाना था इस बार। तो पिछली बार राहुल ने मंगाया था ना वो उतना बढ़िया नहीं था, पर ये खाना बहुत सही था। जोधपुर स्टेशन से मंगवाया था, रेट्रो करके कोई रेस्टोरेंट था उनसे मंगवाया था और बढ़िया था खाना। चलो अभी 1000 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है, तो जैसे तैसे सो के थोड़ा इन्जॉय करके काटते हैं और फिर पहुंच जाएंगे मुंबई। मैंने टाइम से किया था कल सुबह 8 या 9 बजे पहुँचेंगे। अभी ट्रेन रुक चुकी है, पता नहीं ये कहाँ पे रुकी है, और देख सकते हो बाहर का नज़ारा। और वो देखो मोदी जी, मोदी जी खा रहे हैं खाना, देख सकते हो मोदी जी खाना खाते हुए, वो देखो आप। तो दोस्तों माउंट आबू का स्टेशन है ये, यहाँ पे शायद 5-10 मिनट रुकेगी ट्रेन माउंट आबू। और मोदी जी अभी भी खाना ये खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं मोदी जी। तो दोस्तों माउंट आबू के बाद मेरे को नींद आ गई थी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा थक चुका था मैं। अभी हम आ गए हैं मुंबई, सपनों की नगरी। सपना क्या है तुम्हारा राहुल? स्टार बनना। स्टार बनना है? ना ना मैं स्टार बनने के लिए नहीं आया, मैं आपका मैनेजर बन जाऊंगा, ठीक है? अभी दादर स्टेशन पे उतरना है हमको, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, लगभग 2-3 मिनट बाद आ जाएगा स्टेशन। बहुत बढ़िया जर्नी रही, 24 घंटे प्लस की जर्नी, बीकानेर से चले थे। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है, बस रात को राहुल माशा ने खाना ऑर्डर नहीं किया। अब खाएंगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर ना जैसे चाय वगैरह वो मेरे दस्ती नहीं है बिल्कुल, उनकी पानी जैसी चाय होती है, कोई काम की तो होती नहीं, इसीलिए मैंने नहीं ली चाय। अभी यहाँ पे उतर के कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे और फिर देखते हैं। यहाँ पे एक होटल में देख लिया है दादर के पास ही, वहाँ पे आज तो पूरा दिन रेस्ट करने वाले हैं, कल से घूमना करेंगे स्टार्ट। तो पहुँच चुके हैं मुंबई। वो कौन सी निशानी है? हाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है दोस्तों, देख सकते हो। ओहो तो दोस्तों फाइनली अभी आ चुके हैं और अभी देखते हैं कहाँ पे जाना है। वो टैक्सी मुंबई में जो स्पेशल करती है। हाँ ये रही निशानी दोस्तों, एक और टैक्सी देख सकते हो आप। तो अभी जाते हैं सीधा होटल, चलो चलते हैं भाई। राहुल ठीक है, एक्साइटेड हो तुम? अरे यार यहाँ पे ना पता है गर्मी लग रही है हमको, सीधे अभी उतरे हैं ना, ये उतारनी पड़ेगी मेरे लगता है ना। चलो देखते हैं आगे जाके क्या रहता है। अभी सामान खुलवा लिया था हमारा, तो ये बैग बुग चेक करने लग गए थे पुलिस वाले, इधर ही हैं वो, आगे चले गए वो जा रहे, तो देख रहे थे क्या कुछ है, तो हमने चेक करवा दिए, लो भाई करवा लो। इन्होंने पता नहीं मशीन क्यों नहीं लगवा रखी, मशीन लगवा ली तो आसानी चेक हो जाए, वरना इतना सामान निकालना पड़ता है। दोस्तों अभी होटल की तलाश है, हमारा जो होटल हमने देखा है ना वो बीच है, उसके थोड़ा नज़दीक ही है, तो अभी पैदल जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के ऊंची सिर करके चल रहे हैं, तो सामने जो व्हीकल्स है उनका ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमने तो इतनी बिल्डिंग तो ऊंची लंबी कभी देखी ही नहीं। हाँ फिल्मों में देखी है हमने तो इतनी लंबी बिल्डिंग। हाँ इंतजार कर रहा हूँ कौन से कोने पे संजय दत्त मिल जाए, कौन से कोने सलमान खान मिल जाए। अरे क्या पता है, मतलब फिल्में देखी है वो इमेजिनेशन ना ऐसी हो गई है कि जैसे इधर उधर घूमते ही होंगे, तो ऐसा ऐसा सीन हो गया। तो अभी जाते हैं जल्दी से होटल। तो यहाँ पे एक शारदा होटल करके था, वहाँ पे आए तो उनसे पूछा कि रूम मिल जाए, वो कहते 11 बजे बाद मिलेगा, अभी 8 बज चुके हैं, अगर आपको अभी चाहिए तो आपको 11 बजे तक का 3,500 पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से पे करना है, तो इसका तो कोई वो तुक बनता नहीं कि रुकें इसमें। तो अभी और देखते हैं शायद मिल जाए, वरना इनके रूल एक से हुए ना फिर तो दिक्कत होगी, फिर तो जैसे तैसे करके 3-4 घंटे गुजारने पड़ेंगे कहीं पे बैठ के। तो दोस्तों अभी आ गए हूँ होटल, ये छोटा सा कमरा है, यहाँ पे रुके हैं अभी और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलूँ आपसे अगले व्लॉग।